हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो थंबनेल से देख के पता चल गया होगा वीडियो किसके बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साल वृक्ष शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ, सत्य में जयते, धान की सुनहरी बालियां ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप भी ट्राई करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साल या सराई क्या है राजकीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ी मैना। जितने भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जंगली भैंसा या वन भैंसा। दोनों ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अरपा पैरी के धार महानंदी है अपार, राज्य गीत के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा इसको क्या है इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजहा, ये आयोग द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस किस तिथि को बतलाइए, किस तिथि में मतलब मनाया गया उसको बतलाइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, आठवीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिलिस? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 नवंबर 2009 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, साहित्य का संचरण, ठीक है, इसका संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधों का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट। Thanks for watching India Guard.